नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। रायसेन के सांची ब्लॉक के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति खरवई में हुए 1,75,00,000 रुपयों के महा घोटाले की जांच के बाद डियानी सोसाइटी समिति अध्यक्ष खरवई और सोसाइटी प्रबंधक की करीब 7 हेक्टेयर जमीन की कुर्की के लिए कोर्ट के अधीन किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायसेन बैंक शाखा अधीनस्थ प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति मर्यादित रामपुरा केसरी खरवई में 1,64,00,000 रुपयों के गड़बड़ झाले की जांच पड़ताल एक लंबे समय से चल रही थी। कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए उक्त दोनों ने सांची विधानसभा के एक कैबिनेट मंत्री के बंगले भोपाल और पार्टी के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में मंत्री के कानों में कानाफूसी करते कई बार नजर आए, तो कभी डीआर ऑफिस कोऑपरेटिव बैंक रायसेन के सीईओ के चैम्बर में बैठे नजर आए। बताया जाता है कि अधिकारियों पर नेतागिरी का दबाव बिल्कुल काम नहीं आ सका। घोटाले की जांच के बाद पुलिस एफआईआर पहले हो चुकी थी। इसके बाद सहकारी समिति के तत्कालीन अध्यक्ष दीवान सिंह मीणा एवं प्रबंधक रामलाल मीणा की संपत्ति कुर्क करने के आदेश सहकारिता उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा ने जारी किए हैं। धारा 68 के तहत अध्यक्ष और प्रबंधक की लगभग 7 हेक्टेयर जमीन को कोर्ट के माध्यम से अटैच किया है। जब तक मामला कोर्ट में चल रहा है तब तक यह जमीन बेच नहीं सकते हैं। रायसेन से खबर समय जगत के राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।